नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच गई है। यहां से होते हुए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर तक जाएंगे। 15 जनवरी को राहुल जलंधर में प्रेस वार्ता करेंगे और कांग्रेस नेता जय राम रमेश ने प्रेस वार्ता के बहाने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उनका नाम नहीं लिया लेकिन सब कुछ कह भी दिया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी को 8 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं की है। 2019 में वह एक संवाददाता सम्मेलन यानी कि प्रेस वार्ता में आए जरूर थे लेकिन उन्होंने किसी भी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया था। उनके स्थान पर सभी सवालों के जवाब दिए थे तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार को तो इंटरव्यू दिया ही है। कुछ पत्रकारों ने भी मोदी जी से इंटरव्यू के नाम पर बात की है लेकिन उनसे वो सवाल नहीं हुए जो सत्ता से पत्रकार को करने चाहिए। तीखे सवाल, जनता के सवाल, देश के सवाल, बेरोजगारों के सवाल, किसान के सवाल, महंगाई के सवाल और इसी तरह के सवाल ही सवाल। लेकिन अब तक जो भी इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं उसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड लगा है। और एक अहम बात यह भी है कि रवीश कुमार को तो पीएम मोदी का इंटरव्यू करने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला है, वरना इंच का सच शायद जनता को पता चल ही जाता और रवीश कुमार के मन की मुराद भी पूरी हो जाती। खैर सुनिए जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। तो आपके जो सवाल है राहुल जी के लिए वो अब तक रखिएगा और 15 तारीख को जब आपको मौका मिलेगा तब आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले कोई टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन की वेटिंग की जरूरत नहीं होगी, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई सेंसरशिप नहीं होगा। तो ये 11वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राहुल जी का पिछले 117 दिन में। हमारे एक नेता हैं, वो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कई साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 8 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार भी उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित नहीं किया, एक बार भी पत्रकारों से उन्होंने सवाल नहीं ली। खैर अब क्या पता जल्द ही कोई विशुद्ध अखबार टीवी चैनलों के पत्रकारों की कोई प्रेस वार्ता मोदी जी कर ही लें, क्योंकि रवीश कुमार अब यूट्यूबर बन गए हैं। एनडीटीवी को तो साहेब के मित्र ने खरीद ही लिया है जिससे इस पर भी साहेब का गुणगान शुरू हो सके। अब पता नहीं कब जनता के मन की बात सुनी जाएगी।